हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल के आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई एम मोहम्मद जाहिद फ्रॉम मालूमात यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू क्रिएट स्टाइल इन फोटोशॉप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मेरे चैनल है, अगर आपने इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लाल बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल की जो वीडियोस अपलोड होंगी रेगुलरली, वो उनसे आप अप टू डेट रहें। ये मेरे पास ओपन है फोटोशॉप, तो हम यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, टूल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जैसा कि अपना नेम टाइप करता हूँ, उसका बाद इसका कलर कलर चले ये चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सेंटर, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे डबल क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद इसको स्ट्रोक में मैं करूँगा और ओके जी, ठीक है। इसके बाद अनदर स्ट्रोक, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और ये जैसा कि आप देख रही हैं चेंज हो गया। इसको इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ज़रा, एक और स्ट्रोक को चेक करते हैं, ये व्यूवर्स आप मजीद मजीद से मजीद इनमें जो हैं वो कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट कलर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं और मज़ीद जो है वो ऐड करने की कोशिश करते हैं। इनसाइड इनसाइड भी आ गया और ये इनसाइड का जो वो कलर है हम और चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कलर। ओके, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उसके बाद ये ड्रॉप शैडो है, इसके ऊपर हमने किया क्लिक, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मज़ीद ऑप्शन मज़ीद काम कर रहा है ये। यहाँ पे आप इसको इसका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमने किया इसको ओके, तो अब हमने क्या करना है इसको कि हमने इसको करना है क्लिक, डबल क्लिक और ओके करने से पहले हमने यहाँ पे करना है इसको न्यू स्टाइल पे क्लिक करना है और हमने जो भी इसका नेम रखना है वो हम कर देते हैं यहाँ न्यू न्यू स्टाइल, ओके पे क्लिक किया और फिर ओके, ये हमारा जो न्यू स्टाइल है यहाँ पे सेव हो गया। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, इधर गया भाई, छोटा हो गया, एक और ऐड किया हमने, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा समझाने के लिए, ब्लैक किया। और इसका जो सेव करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमने जो स्टाइल अपने पास सेव किया है उस पर हमने इस जिस लेयर पे ऐड करना है वहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने जस्ट क्लिक करना है और ये देखें
ये तमाम जो इफेक्ट थे ये इस पे ऐड वन क्लिक से ऐड हो चुके हैं। अगर आप कोई थंबनेल बना रहे हैं, यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, अगर आपने बार बार इस सेट करने से बच जाएंगे, आप स्टाइल सेव करने और सिर्फ एक क्लिक करने से आपको ये आसानी के साथ ऑल इफेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। कलर चेंज किया हमने, ओके। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, सो व्यूवर्स, ये था मेरा ट्यूटोरियल कि हम किस तरह फोटोशॉप में स्टाइल को बना के सेव कर सकते हैं अपने पास। सो व्यूवर्स, ये था मेरा ट्यूटोरियल फोटोशॉप के हवाले से। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।